नमस्कार साथियों, अगर आप भी यूपीटेट 2024 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी का अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको यूपीटेट एग्जाम से संबंधित जानकारियाँ सबसे पहले बताई जाती रहें। सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी, गूगल पर आप लोग जाना सर्च करना, आप लोग यूपीटेट हिंदी प्रो सर्च करेंगे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। इसको आप लोग ओपन कर लेना। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अब शुरू होने जा रहे हैं और यही नहीं, इस बार तीन बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आपने यूपीटेट का एग्ज़ाम पहले नहीं दिया है तो आप लोगों के लिए तीन बड़े बदलाव इस बार देखने को मिलने वाले हैं। तीन नए नियम उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा में लागू होने जा रहे हैं। यूपीटेट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। बीते एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और यूपी में जो है यूपीटेट की परीक्षाएँ बार बार आगे बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपीटेट की एग्ज़ाम अब शुरू होने जा रहे हैं और इस बार तीन बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। पूरी जानकारी यहाँ पे अपडेट हो गई है और आगे भी आपको यूपीटेट परीक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारी आएगी सबसे पहले बताई जाएगी। आप लोग भी जाके पूरी जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है इस बार यूपीटेट का जो आयोग है, जो परीक्षा को कंडक्ट करवाता है, वो पूरी तरीके चेंज हो रहा है और साथ ही साथ यूपीटेट के सिलेबस में एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंजमेंट देखने को मिलने वाले हैं। कट ऑफ आपका बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश में निकलने वाली शिक्षा भर्तियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा होती है और यूपीटेट एग्ज़ाम ना हो पाने के कारण ही उत्तर प्रदेश में बीते एक साल से कोई भी बड़ी शिक्षक भर्ती भी नहीं आई है। लेकिन अब आप सभी बता रहे हैं यूपीटेट की एग्ज़ाम हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में बम्पर शिक्षक भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और इसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर अपडेट होगी। आगे भी इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले बता